बेरीनाग और चैकोड़ी में भूमि के मालिकाना हक के संदर्भ में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चैकोड़ी और बेरीनाग के चाय बागानों की जमीन को सरकार के कब्जे में लेने के आदेश दे दिए हैं। इस आदेश के बाद लोगों में असमंजस की स्थिति है। कुछ लोगों ने सरकार के इस निर्णय को यहां के लोगों के पक्ष में बताया है तो कुछ लोगों ने इसे असमंजस बताया है। बेरीनाग को 8 वर्ष पूर्व सरकार ने ग्राम पंचायत से नगर पंचायत का दर्जा दिया था। वहीं चैकोड़ी प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर वर्तमान में कई सरकारी उपक्रम सहित कई बड़े होटल के साथ साथ कई व्यवसायिक संस्थान भी बन चुके हैं। चाय का बागान तो सिर्फ इतिहास बनकर रह गया है। वर्तमान में बेरीनाग और चैकोड़ी की जनसंख्या 15,000 से अधिक है। पिछले 3 दशक में यहाँ के लोगों के द्वारा लगातार भूमि के मालिकाना हक की मांग की जा रही है। पूर्व में कई बार भूमि के मालिकाना हक को लेकर कई आंदोलन भी हो चुके हैं। सरकारी अभिलेखों में यहाँ की भूमि चाय के बागानों के रूप में दर्ज है। पूर्व में यहाँ पर कुछ लोगों की भूमि अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ पर जमीन की रजिस्ट्रीकरण भी हुई थी। पिछले 1 दशक से यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वर्ष 2013 में न्यायालय में यहाँ पर सभी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है, जिससे स्थानीय प्रशासन के द्वारा आए दिन यहां पर निर्माण कार्य करने पर रोकथाम सहित पूर्व में कई लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की गई है। ये आदेश से मैं अंशतः संतुष्ट हूं। पूर्ण आदेश सही नहीं है, क्योंकि जितनी चाय बागान की भूमि है उसमें जितना चाय बागान है अभी भी उसको सरकार अपने उसमें जो पट्टी लैंड है उसको सरकार अपने कब्जे में ले ले। बाकी जो मकान बने हुए हैं उन मकानों पर उन मकानदारों के नाम वो भूमि पट्टे में कर दी जाए। मेरा कहना इतना ही है। भूमि से संबंधित कल एक मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने आहूत की गई थी। हालांकि उसका जो आदेश है अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, परंतु हम इस पहल का स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी का धन्यवाद अदा करते हैं और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमारी वर्षों से पीढ़ियों से चली आ रही है मालिकाना अधिकार की मांग को पूरा करने की दिशा में जल्द से जल्द कदम उठाएंगे। कोई टी बागान को लेकर कल सरकार द्वारा लिया गया कदम सराहनीय है। इसके लिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एवं पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी का आभार व्यक्त करती हूं। सरकार से निवेदन करती हूं शीघ्र ही बेरीनाग चकोड़ी की जनता के हित को मद्देनजर रखते हुए उचित निर्णय लें। लंबे समय से यहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं। लोगों ने अपनी और पूंजी कमाई जो नौकरी करके किसी ने मजदूरी करके जो पैसा कमाया था वो यहाँ पर मकान और जमीन सुधारीकरण करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार ने जो कल बैठक हुई उसमें जो है पब्लिक जनता को साथ में लेते हुए उनके फेवर में सरकार ने करना चाहिए और यहाँ पर काफ़ी लोग किसान हैं, भूमिहीन हैं और उनको मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाना चाहिए सरकार ने। और ज़्यादातर एक तरफ सरकार की योजना है पहाड़ों से पलायन रोको करके, हमारे चौकड़ी बेरीनाग में जो लोग हैं यहीं पहाड़ के ही लोग हैं, दूरदराज क्षेत्र के लोग यहाँ पर बसे हैं, उन्होंने अपनी कमाई जो पूंजी है मकानों में जमीन में लगा रखी है। लाइव उत्तराखंड के लिए बेरीनाग से प्रदीप महारा की रिपोर्ट।